रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ जो है आपके सामने हाजिर खिदमत है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास जो है असाइनमेंट्स या थीसिस या सिनॉप्सिस के लिए जो डाटा हमें डाउनलोड करना होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। मजीद लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री बाय सर शाहिद जो है जरूर इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बाकी दोस्तों के साथ भी जो है इसे जरूर शेयर करें। इसमें मजीद जो है नेक्स्ट लेक्चर जो मेरे पास चलेंगे उसमें इंशाल्लाह मैं आपको कैम स्केच और कैम ड्रॉ आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा कर सकते हैं उसका भी इंशाल्लाह मैं अलग से जो है वो वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह जो है जल्द ही स्टार्ट करूंगा, आप उसे भी जरूर फायदा उठाइएगा। तो देखते हैं जी वीडियो। रहमान रहीम, इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि जो है हमारे पास गूगल पे हम डाटा किस तरह सर्च कर सकते हैं। आपको कोई भी असाइनमेंट टॉपिक दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप अपना जो है वो इस पे कोई जो है अपना असाइनमेंट बना के दें, तो आप सबसे पहली जो स्टूडेंट को परेशानी होती है कि उसने जो डाटा सर्च करना है वो कैसे करना है। तो इसके लिए जो एक मेथड है वो ये है कि आप डिफरेंट एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। मसलन कोई भी टॉपिक जो आपने जो है जिस पे डाटा आपने जो है डाउनलोड करना है, मसलन हमारे पास पॉलीयूरेथेन है, तो पॉलीयूरेथेन लिख के आप डॉट लगाएंगे और इसकी फर्स्ट एक्सटेंशन जो आप यूज़ कर सकते हैं पीडीएफ। जब आप ये एक्सटेंशन यूज़ करके आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने जो है ये मुख्तलिफ जो है आ जाएंगी, टैब्स आ जाएंगी, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास हर लिंक के अंदर जो है वो डाटा मौजूद है, साथ पीडीएफ का जो है वो मैंशन किया गया होता है। आप इसको यूँ करें कि आप इसे न्यू टैब में ओपन करें, न्यू टैब में ओपन करते ही आपके पास जो है ये यहाँ पर जो है डाउनलोड फुल टेक्स्ट पीडीएफ मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा जी, ठीक हो गया। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो है समटाइम ये डिपेंड करता है कि किस वेबसाइट से वो डाटा ले रहा है, हर एक वेबसाइट की जो डिमांड होती है डिफरेंट होती है। जैसे जैसे मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया ये सेव का ऑप्शन आ गया, मैंने इसे सेव कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा और ये सेव हो चुका है, ठीक है जी। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं आप किसी और तरह से इसके डाटा चेक करते हैं, मसलन ये सेकंड लिंक मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर उन्होंने इंट्रोडक्शन टू पॉलीयूरेथेन दिया हुआ है। ये देखें ये इस तरह हमारे पास आपके पास आईडीएम इंस्टॉल है तो इस तरह ओपन होके आ गया है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली सिर्फ अपना जो टॉपिक होता है वो लिखते हैं और सर्च करने बैठ जाते हैं, फिर देख रहे होते हैं जी डाटा नहीं मिल रहा, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तब प्रॉब्लम बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सटेंशन यूज़ करें, ये फर्स्ट एक्सटेंशन है डॉट पी डी एफ, आप यूज़ करेंगे आपके सामने सिर्फ वही फाइल्स आएंगी जो पीडीएफ के अंदर होंगी और इससे आपको कम से कम डायरेक्टली जो गूगल से आप डाटा सर्च करते हैं वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। सेकंडली अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आपने कोई पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है तो कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि डॉट पी पी टी कर देना है। डॉट पी पी टी करके इंटर आप करेंगे तो आपके पास जितने भी डाटा है वो स्लाइड्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जितनी भी आपके पास जो है जो फर्स्ट लिंक जितने भी आते हैं वो सारे के सारे आपके सामने ये जो नज़र आ रहे हैं ये आपके पास स्लाइड्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट करके बाकी भी चेक कर सकते हैं और इसको भी डाउनलोड करने का मेथड वही है। आपको डाटा रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट की फाइल की सूरत में तो आप टॉपिक वही लिखा रहने दें और आप इसे यूज़ करें डॉट डी ओ सी। ये जो डॉट डी ओ सी है ये डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन है, आप इस पर क्लिक करें। अब आपके पास सारी वो फाइल्स आएंगी, आप इसे अलग से ओपन करके जो है वो चेक भी कर सकते हैं जो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट के अंदर होंगे, ठीक है। ये देखें दे रहा है लिंक, आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू डाउनलोड करना चाहें या आप अपनी ईमेल के थ्रू जो है डाउनलोड करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, आपके पास डाटा डाउनलोड हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि डायरेक्टली आपके पास जो है वो डाटा जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपके पास जो है वहाँ पर आ रहा होता है, ऐसी सूरत में वो डायरेक्टली जैसे पी डी एफ फाइल आपके पास डाउनलोड हुई थी बिल्कुल ऐसे ही आपके पास ये वाली फाइल भी क्या हो सकती है, डाउनलोड हो सकती है। तो मेन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सटेंशन को यूज़ करके किस तरह जो अपना डाटा है वो क्या कर सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जिसके अंदर भी देखें ऑलमोस्ट वो सेम मैकेनिज्म दे रहा है कि आप गूगल के थ्रू इसे डाउनलोड कर लें, आप ई मेल के थ्रू कर लें या फेसबुक के थ्रू, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आज के दौर में हर एक के पास गूगल है, ईमेल हो ना हो लेकिन फेसबुक ज़रूर होती है। तो बहरहाल जो है आप क्या कर सकते हैं डेटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंडली आपने आर्टिकल्स जो हैं वो डाउनलोड करने हैं। अब आर्टिकल्स आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेंगे, या तो आप ये करें कि आप गूगल स्कॉलर ओपन करें,
गूगल स्कॉलर ओपन करने के साथ जो है आपके पास जो है जो भी आप टॉपिक जिस पे आप सर्च करना चाहते हैं, आप जो है अपने टॉपिक का नेम लिखें, ठीक है, और इसके ऊपर मसलन मैं ऐसी पॉलीयूरेथीन की बात कर रहा था या कोई भी जो आपका रिक्वायर्ड है, तो ये देखें हमारे पास ऑलरेडी वो मेंशन भी कर रहा है कि आप डिफरेंट जो है यहाँ से भी अपना जो आर्टिकल से रिलेटेड मटेरियल है वो चूज़ कर सकते हैं। आप ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास फिर एक वैरायटी है, आपके पास एक चीज़ है, आप कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कस्टम रेंज। कस्टम रेंज पर जब आप क्लिक करेंगे ना, आप ईयर मैंशन कर सकते हैं, आपको 2010 से 2020 तक रिक्वायर्ड हैं, आपको 2002 से आपको 2008 तक के रिक्वायर्ड हैं, या आप सिंगल इसको ईयर वाइज जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मसलन आपको जस्ट 2000 के रिक्वायर्ड हैं तो आप इंट स्टार्ट में भी 2000 लिखें और एंड में भी, और आप इस सर्च करें। अब क्या होगा, आप सिर्फ वही वाले आर्टिकल पॉलीयूरेथीन के आएंगे जो आपके पास 2000 के अंदर पब्लिश हुए थे, ठीक है जी। यहाँ से इनको कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा डायरेक्ट गूगल स्कॉलर से आप कर सकते हैं। इससे भी अच्छा है कि आप डायरेक्ट जो आपके पास वेबसाइट होती है किसी भी पब्लिशर की, आप उससे डायरेक्ट डाउनलोड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपके पास जो है साइंस डायरेक्ट है, मैंने ये देखें यहाँ पर ये सारी टैब्स बनाई हुई हैं, तो बेहतर होता है कि अगर आप इस रिसर्च काम कर रहे हैं, रिसर्च पे कर रहे हैं, आप थीसिस जो है उस पर काम कर रहे हैं, साइनअपसिस पे काम कर रहे हैं, या कोई भी आपने असाइनमेंट जो है केमिस्ट्री बायो कोई भी सब्जेक्ट आपने लेना है, तो आपके पास ये टैब्स आप बना के रख लें, ठीक है। टैब बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपके सामने ये सेव का ऑप्शन आ जाता है, सेव पे क्लिक कर देंगे आपके सामने ये टैब की फॉर्म में जो है ये शो हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास जो है बात अगर हम करें तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या क्या आप किस किस वेबसाइट से जो है वो डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आ जाती है कि आप गूगल पर ही साइंस डायरेक्ट लिखें, मसलन आप जो है वो साइंस डायरेक्ट से जो है वो डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, साइंस डायरेक्ट, ये आपके पास पहला लिंक आ गया है, आप इसे यहीं पे ओपन कर लें, या बेहतर ये होता है कि आप इसे जो है सेपरेटली न्यू टैब के अंदर ओपन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये साइट ओपन हो रही है, आप देखें, अब यहाँ पे आप अपना जो आर्टिकल डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसे लिखें, पॉलीयूरेथेन्स है, आप इंटर कर दें। अब इसमें क्या होगा, ऐसे एंटर करने में आपके पास जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक के जितने आर्टिकल जिस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक की सूरत में या वेबसाइट्स जो हैं गूगल स्कॉलर तो काम कर जाता है लेकिन ये वेबसाइट जो है डाटा आपको सर्च करके समटाइम नहीं देती, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। अब इसमें देखें आपके पास ये जो है डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, साथ में अगर आप यहाँ पर देखें आपको ईयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, आप जो ईयर आप चूज़ करना चाहते हैं आप उसी ईयर को जो है आप क्या करें सेलेक्ट करें, तो आपके पास क्या होगा, मैंने 2020 को सेलेक्ट किया है, अब 2020 के जितने आर्टिकल हैं सिर्फ वही मेरे सामने आएंगे, बाकी कोई आर्टिकल जो है वो सामने नहीं आएगा। अब यहाँ से आर्टिकल जब डाउनलोड करना है, बाकी जो हमारे पास सर्च इंजन हैं ना, हमारे पास जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, ACS है, वीले है हमारे पास, या हम स्प्रिंजर की बात करें, तो ये इन सब के ऊपर जो है डाटा सर्च करने का मेथड यही है, एडवांस सर्च का ऑप्शन इसको कहा जाता है। ये आपके पास जो है जब आप स्टार्ट में आते हैं ना, ये दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप डाटा डाउनलोड करने लगते हैं आप पहले भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि आप स्टार्ट में ही वहाँ पर मेंशन कर दें, जैसे ये देखें ये एडवांस सर्च का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आप क्या चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं। आप आर्टिकल का नेम लिख सकते हैं, जर्नल या बुक का टाइटल लिख सकते हैं, उसके ईयर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑथर नेम से कर सकते हैं, ऑथर एफिलिएशन है आपके पास उसके एब्स्ट्रैक्ट या जो उसके की वर्ड्स हैं वहाँ से आप इसे कर सकते हैं, ऑल फील्ड्स के अंदर टाइटल आ जाता है, वॉल्यूम है, इशू पेज है, ISSN है या ISBN है, आप किसी भी तरह से आर्टिकल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रिव्यू आर्टिकल चाहिए, रिसर्च आर्टिकल चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया चाहिए, कोई भी आपको रिक्वायर्ड है, आप एडवांस सर्च में जाके आप वहाँ पर उस चीज़ को मैंशन करें और ईयर में मसलन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो 2005 के आर्टिकल आने चाहिए, तो मैंने इसको सर्च पे किया, अब मेरे पास जो आर्टिकल्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो 2005 के अंदर थे वही आएंगे, ठीक है जी।
तो यहाँ से आप जो है आप एडवांस सर्च कुछ के अंदर ये सामने ही मौजूद होती है, जैसे ये जैसे यहाँ पर वहाँ स्टार्ट में यूज़ ना करना चाहें तो ये देखें आपके पास रिफाइन के अंदर यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, तो ये भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है कि रिसर्च आर्टिकल तो आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन ये है कि उसको डाउनलोड कैसे करना है। ये तो हमारे पास जब हम इसे ओपन करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या है, वो डिमांड करते हैं कि आप इसके लिए पे करें, ठीक है, और हम पाकिस्तानी कैसे पे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है पे करना। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ये देखें, ये गेट एक्सेस, गेट एक्सेस का मतलब है आप बकायदा है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और डॉलर्स के अंदर आप उन्हें पे करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अल्लाह भला करे, बहुत सारे जो हैं जुगाड़ी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खैर वैसे पाकिस्तानियों ने वो नहीं बनाई, वो रशियन वेबसाइट है हमारे पास, आप जो है इसे कर सकते हैं गूगल से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखेंगे साई हब, SCIHUB, ठीक है, इसकी भी एक्सटेंशन होती है, लेकिन ये मैं नहीं कहता कि आप कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करें, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो है टाइम में मुख्तलिफ यूज़ होती है। मसलन साई हब डॉट जो है आपके पास CC है, साई हब डॉट SI है, मुख्तलिफ ये वर्किंग में रहती हैं, क्योंकि एक जब क्लोज हो जाती है तो दूसरी वो वर्किंग में ले आते हैं। इनका ये मानना है कि जो नॉलेज है वो हर एक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, तो उन्होंने ये जनाब ये हमें एक वेबसाइट दी है, हम क्या करते हैं अपना जो भी आर्टिकल डाउनलोड करना होता है हम इसमें ऐड करते हैं, आर्टिकल जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाता है। ये जो पहला लिंक आया ना साई हब रिमूविंग बैरियर्स इन द वे ऑफ साइंस, इसको ओके कर लें। अब आपके पास जो है इसमें डिफरेंट जो है फील्ड्स हैं, आप किस तरह से डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके सामने जो है ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप उसकी URL ऐड कर सकते हैं, PMID, DOI जिसे डोई एड्रेस कहते हैं, या सर्च स्टेरिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। मतलब वो आर्टिकल था, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसका ये एड्रेस जो है ये कॉपी करें और इसके अंदर जाके जो है इसे क्या कर दें, पेस्ट कर दें और इंटर दबा दें। ये आर्टिकल आपके पास जो है, तो ये देखें ये आर्टिकल आपके पास जो है ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से सेव पे, सेव एज पे क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप जहाँ इसे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, या आप इसे, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेस्कटॉप पे कभी भी अपना डाटा सेव करें, आप इसे हमेशा जो है सी ड्राइव छोड़ दें, DE जितनी भी आपके पास ड्राइव्स है किसी एक के अंदर जो है आप इसे जो है वो डाउनलोड करें। उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपने पहले से वहाँ पर कोई ना कोई फोल्डर नहीं बनाया हुआ है तो आप न्यू फोल्डर पर क्लिक करें, ठीक है, आपके पास फोल्डर आ जाएगा जो भी नेम इसे आप देना चाहें, ठीक है, डाटा आर्टिकल्स आप इसे कह देते हैं, इसे आप ओपन करें और ये आप सेव करेंगे तो आपके पास जो है ये सेव हो जाएगा जी, ठीक है। बस अब ये सेव हो चुका है वहाँ पे, इसको क्लोज कर दें और इसे वापस ले जाएं। समटाइम हमारे पास क्या होता है, अच्छा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये इसका DOI एड्रेस है, ठीक है, जिसे DOI एड्रेस भी हम कह देते हैं, ये आपने यहाँ से इतना कॉपी करना होता है, इसको उधर पेस्ट करेंगे ये वैसे डाउनलोड हो जाएगा। आर्टिकल का नेम आप सेलेक्ट करें, इसको ले जाएं, अब क्या है आपको पे नहीं करना पड़ेगा और आर्टिकल आपके पास जो है वो क्या होगा डाउनलोड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो आर्टिकल अभी हमने डाउनलोड किया है वो हमारे पास जो है तो ये देखें डाटा आर्टिकल्स का मैंने फोल्डर बनाया था और ये आर्टिकल हमारे पास जो है ये डाउनलोड हो चुका है जी, ठीक है जी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो आ जाता है, सम टाइम साई हब सपोज काम ही नहीं कर रही, ठीक है, क्रैश हो जाती है, ये प्रॉब्लम होता है कि हम आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में सम टाइम जो है ये काम ही नहीं करती। तो ऐसे सिचुएशन में रिकमेंड करूँगा कि आप जो है गूगल पर जो है एक और हमारे पास है वेबसाइट है, इसी तरह की आप जो है प्रॉक्सी वेबसाइट है जिससे आप क्या कर सकते हैं डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, पहले तो इसके बार बना लें, ये आ गई, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे आप टाइप करेंगे libgen, इसकी भी मुख्तलिफ एक्सटेंशन जो हैं वो यूज़ में रहती हैं, मसलन पहले libgen.io वर्किंग में थी, फिर libgen.is जो है, बेहतर है कि आप libgen पे क्लिक करें और जो पहला ही आपके पास है जिसके नीचे लिखा हुआ है नो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर दिस पेज, आप इसी को ओपन करें, ठीक है, बस ये सामने ही है कि इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है लेकिन सारा कुछ इसी के अंदर छुपा होता है।
तो इसलिए इस चीज़ से नहीं घबराना कि इसके अंदर लिखा आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये देखें इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जो आर्टिकल आपका सही ऐप से डाउनलोड ना हो रहा हो, आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें ढेर लगा हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल आर्टिकल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास जो है बहुत सारी टाइप्स हैं। डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो आप आर्टिकल का जो DOI एड्रेस है वो आप कॉपी करें, ठीक है, ये वाला आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, या आपके पास क्या है टाइटल से कर सकते हैं, ऑथर नेम से कर सकते हैं, सीरीज से कर सकते हैं, पब्लिशर है, ईयर है, ISBN है, लैंग्वेज है, MD5 है, टैग्स है, एक्सटेंशन, मतलब ये इतनी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर आर्टिकल डाउनलोड करने की। जो भी आर्टिकल है आपके पास, आप उसका जो है सपोज़ हम नेम से करते हैं, तो हम टाइटल पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे इसको, ये आप डायरेक्टली पहले भी इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं, या बेहतर है क्योंकि इसमें बाद अवकात ये भी जो है इसके वर्किंग में प्रॉब्लम आ जाता है, तो उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखें, ये आर्टिकल आपके पास आ गया, आप देखें इसमें ढेर लगा हुआ है। आप ये डायरेक्ट आपको है, ये बेसिकली साई हब से थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, ये भी बेसिकली ले के उधर ही जाता है। साई हब है, libgen.ic है, book.sc है और libgen.me है। अब ये चार लिंक हैं और आप किसी भी लिंक से जो है इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू डाउनलोड द आर्टिकल वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप डायरेक्टली इससे पहले भी डाटा सर्च करना चाहें तब भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा साई हब जो है वो थोड़ा यूज़ करना ज़्यादा ईजियर है, ठीक। आर्टिकल का डाटा जो है वो उधर से कॉपी किया उसका, और यहाँ पर जो है उसे आप पेस्ट कर दें, आप आर्टिकल को जो है क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। इससे भी आप कर सकते हैं, इसमें हमारे पास थोड़ा सा मैकेनिज्म हर एक का डिफरेंट होता है। मसलन साई हब से करें तो ये डायरेक्ट आपका लिंक उस तरफ जाएगा और साई हब से ये क्या कर देगा, इसको जो है आपके पास डाउनलोड करके ले आएगा, ठीक है। ये आगे आपके पास आर्टिकल। सेकेंडली जो दूसरा था libgen.ic है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा कंपैरेटिवली जो है वो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये है कि जब आप इस चीज़ में आ जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको चीज़ का पता होना चाहिए। आप इस पे बैठ जाएं कि अच्छा इससे आगे क्या मैकेनिज्म अडाप्ट, ये देखें साई हब के अंदर वही आर्टिकल आप डाउनलोड हो चुका है। समटाइम आपके पास IDM प्रॉपर जो है वो रजिस्टर्ड वर्जन अगर इंस्टॉल हो तो यही चीज़ IDM में डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड हो जाती है, तब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर IDM प्रॉपर अगर काम ना कर रहा हो, प्रॉपर काम कर रहा है तो यही चीज़ डायरेक्टली IDM में ओपन होती है और ये चीज़ आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आया है जब हमने जिसको libgen.ic पे क्लिक किया, तो ऐसी सिचुएशन में ये गेट का जो ऑप्शन लिखा हुआ है आप गेट पे क्लिक करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि साथ में क्या आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट है, बारकोड है, ये देखें गेट पे ओके किया, डाटा आपके पास जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ गया, स्टार्ट डाउनलोड करेंगे आपके पास डाउनलोड हो गया, आप इसे ओपन करें, मूव कर लें, सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपना डाटा ईयर वाइज डाउनलोड करें, पहले आप 2000 वाले आर्टिकल्स कर लें, उनको जो है हमेशा ओपन की बजाय ओपन फोल्डर करें, तो उस फोल्डर के अंदर जहाँ पर वो डाटा आपका पड़ा होता है ना वो आर्टिकल वही जाके सेलेक्ट होता है, उसको उठाए वहाँ से और आपने ईयर वाइज जो है, जैसे ये देखें मैंने काम थोड़ा करके रखा हुआ है, आप इसको ज़रा एक नज़र देख लें कि आपके पास हमेशा डाटा जो है वो ईयर वाइज अरेंज होना चाहिए ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ सर्च करनी पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें आपके पास जो है ये देखें ये डाटा आ गया, तो ये देखें ये आपके पास जो है, अब मतलब मैंने 2000 वाला सपोज डाटा जो है वो डाउनलोड किया है, तो मैं 2000 वाला फोल्डर ओपन करूँगा, यहाँ पे उसे मैं पेस्ट कर दूँगा। अब जब भी मुझे इस आर्टिकल को फाइंड आउट करना होगा, मुझे पता होगा कि मैंने इसको फलां जगह पे जो है, या इसके मैंने सिर्फ आर्टिकल ओपन करूँगा, रेफरेंसेज मैंने इसके लेने हैं, तो वो डायरेक्टली मैं वहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है आपके पास साई हब के ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, libgen हमारे पास जो था .ic हम उससे भी कर सकते थे, या हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है तीसरा है book.sc, ठीक है। book.sc पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आता है book.sc से भी आपके पास थोड़ा मैकेनिज्म इनका डिफरेंट है, लेकिन यह कि आर्टिकल आप या बुक जो है वो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड ईजीली कर सकते हैं। मैं इसमें फिर बताता चलूँ, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आपने आर्टिकल का जो नेम है वही पेस्ट करना होता है, आपके पास DOI एड्रेस है, आपके पास ये ऑथर नेम्स हैं, ठीक है, आपके पास जो है उसका ये पब्लिशिंग ईयर है, वॉल्यूम है, आपके पास इशू नंबर है, ये सारी चीज़ें आप क्या है आपके पास अवेलेबल हैं और आप क्या कर सकते हैं यहाँ से डाटा डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड हमारे पास था उस पर हमने क्लिक किया था, तो हमारे पास जो है SC है और उसके बाद जो है libgen.me है हमारे पास, अगर हम इस पर क्लिक करें
ये देखें जो एससी पे क्लिक किया था वो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आर्टिकल डाउनलोड है। ये इतने मेथड बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप परेशान हो के ये ना बैठे हो कि जी मेरे पास तो डाटा ही नहीं है। डाटा सर्च करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि बैठे बैठाए उन्हें हर चीज़ मिल जाए, और गलती से किसी एक ने अगर एक मरतबा काम करके दे दिया तो हर मरतबा उसके पीछे चले जाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि आपको ख़ुद को वो चीज़ आनी चाहिए ताकि आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि दूसरे आपके पास जो हैं वो चल के हैं। ठीक है, जो तीसरा मैं आपको बता रहा था वो ये था आपके पास कि आपके पास वो ये मतलब जो है उसने लिंक ही नहीं दिया, वो माँ कह रहा है कि दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई परेशानी की बात नहीं है। ये चार लिंक थे तो कम से कम तीन काम कर रहे हैं, चौथा किसी वजह से नहीं भी काम कर रहा तब भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब ये सोचें कि बस ठीक है जी, जो बताया गया था वीडियो में उसमें तो सारे काम कर रहे थे, तो ये चलें एक एग्जाम्पल सेट होगी साथ में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपका जो सर्च इंजन है वो उसको डाउनलोड करके दे। हम ये कर सकते हैं जैसे वो मैंशन कर रहा है वहाँ पर कि आप इसके अंदर अपना जो टाइटल है वो पेस्ट करें, हो सकता है ऐसी सिचुएशन में वो हमें डाटा जो है वो डाउनलोड करके डायरेक्टली दे दें। ठीक है, तो एक किस्म का डायरेक्ट सर्च इंजन आपके पास आ जाता है, तो ये कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती इतनी। ये देखें ये डाटा सर्च कर रहा है इसमें और ये आपके पास आ गया, आप इसे जनाब ओपन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो बहरहाल इसमें आपके पास जो है अच्छा है कि आप साई हब से करें और लाइबजेंट से करें। अभी जो इसकी एक्सटेंशन वर्किंग में, जब मैंने इस पे काम शुरू किया था उस वक्त लाइबजेंट डॉट आई ओ जो है वो वर्किंग में थी, और अभी देखें ये आपके पास जो लाइबजेंट है वो डॉट आई एस जो है ये वर्किंग के अंदर है। जैसे मैं लाइब्रेरी जेनेसिस में कहता हूँ कि आप लाइबजेंट सिर्फ ओपन करें, उसमें आपके पास उसके एक्सटेंशन खुद ब खुद जो है वो जो करेंटली जो है वर्किंग में होती है वो आ जाती है। ठीक हो गया जी, तो ये थे कुछ मैथड जिससे आप डाटा जो है वो सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ सर्च इंजन से। वीले है आपके पास, ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ए सी एस है, सब के अंदर जो है ऑलमोस्ट मेथड सेम है डाउनलोड करने का। तो ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको पता हो कि आपके पास जो है कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ, समटाइम ऐसा होता है जल्दी में हम क्या करते हैं, ये देखें ये हमारे पास जो है वीले आ गए, तो इसके अंदर आप अपना आर्टिकल लिखें, एडवांस सर्च के ऑप्शन में जाके बिल्कुल वही है जैसे साई हब के अंदर आपके पास ऑप्शन सॉरी साइंस डायरेक्ट में ऑप्शन आ रहा था, आप जो है एडवांस सर्च में जाके डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। एसीएस आपके पास आ चुका है, आप जो है जो डाटा सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करें, आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे, आप उन्हें क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी एक लेक्चर के अंदर जो है मैं नेक्स्ट आपको कैमड्रा या कैम स्केच दोनों सॉफ्टवेयर दोनों के मैं लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर जो है कि हम स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में हैं आप तो आपको जो ना आप केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स ही ड्रा ना करने आते हो, आप जो ना पिक्चर्स लेके फिर रहे हो तो फ़ायदा तो कोई ना, फिर आप तो कामयाब केमिस्ट ना हुए ना। तो कम से कम आपको जो है वो डाटा डाउनलोड करना और उसके अंदर से जो आपके पास जो है स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना आपको कम से कम आता हो, किसी एक लेक्चर में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा था कि हमने आर्टिकल सपोज डाउनलोड कर लिया और उस वक्त हमें उसका जो रेफरेंस था वो लिखना याद नहीं रहा, अब रेफरेंस के बगैर तो कोई भी चीज़ जो है समझ अधूरी है कि आपने ये डाटा लिया है कहाँ से लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होता है, मसलन ये एक फ़ाइल है, मैंने कुछ डाटा डाउनलोड किया था, अब ये देखें ये आर्टिकल हमारे पास आया हुआ है, इस आर्टिकल के लिए आप चाहते हैं कि आपके पास जो है इसका रेफरेंस आपको मिल जाए या कोई और, चलिए देख लेते हैं ये है आपके पास। ऐसे सिचुएशन में क्या करें, आप इसका जो आर्टिकल का जो नेम होता है आप इसे सेलेक्ट करें और गूगल स्कॉलर पे जाएं, जैसे हम पहले गूगल स्कॉलर ओपन किए हुए हमने यहाँ पर ये देखें, तो गूगल स्कॉलर पर जाके इस आर्टिकल का नेम पेस्ट करें और इंटर दबा दें। ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, जो आर्टिकल है वो आपके पास आएगा, देखें इसमें तो खैर उससे रिलेटेड ढेर सारा डाटा आ गया है। स्पेसिफिकली एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आपको बात जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मसलन इसमें देखते हैं जी, ये देखें ये आर्टिकल्स हैं, मसलन ये है जी, अब इसमें देखें मैंने इसको यहाँ से इसका नेम जो है वो कॉपी किया, गूगल स्कॉलर में मैंने इसे यहाँ पर ऐसे पेस्ट किया, ये देखें अब स्पेसिफिकली सिर्फ वही आर्टिकल आया, ये आपको जो है ये साइट का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस साइट पे क्लिक करें
आपके सामने जो है रेफरेंसेस के स्टाइल आ जाएंगे, एमएलए है, एपीए है, शिकागो है, आपके पास हॉर्वर्ड है, ठीक है। आप जो भी इसमें से यूज़ करना चाहें, हमारे यहाँ मोस्टली यूनिवर्सिटीज एपीए या एमएलए इस तरह का जो है वो वर्किंग के अंदर है, हर एक यूनिवर्सिटी का थोड़ा अपना स्टाइल होता है, तो ये यहाँ से आपको बना बनाया स्टाइल जो है वो मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करें और आप क्या करें, कॉपी करने के बाद जो है आप इसे जहाँ पर आपका अपना आर्टिकल साइनॉप्सिस जो है या थीसिस पे काम कर रहे हैं आप उसे वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, तो इससे आपको क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस, ये याद रखें जब भी काम कर रहे हो, थीसिस लिख रहे हैं, साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, जो डाटा आप डाउनलोड करें आप उसका रेफरेंस जो है, अगर आपने उससे रिलेटेड मटेरियल अपने पास ऐड किया है थीसिस के अंदर या साइनॉप्सिस में, तो उसका रेफरेंस फ़ौरन कॉपी करें, क्योंकि बाद में आपको याद नहीं रहेगा कि आपने जो है वो ये आर्टिकल जो है, ये जो डाटा लिया हुआ है ये कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। फिर वहाँ पर आपके लिए वो आर्टिकल फाइंड आउट करना, उसको सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जो है इसको लाजमी अच्छे से जो है आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होगी, कोई और अगर प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं जी।